अच्छा पता ही टक्कर कैसी है इस बार तारीवाल साहब की टक्कर है साहब, जो इन्होंने जो दो चार पुलिया बनाया, जो अच्छा माहौल बनाया सौंदर्य होने का, तो ये इसके हिसाब से तो पब्लिक खुश भी है कि इनके दिग्गज दिग्गज नेता कम से कम हारेंगे। दिग्गज दिग्गज वजह क्या है? किसी लड़की का बलात्कार बताना, आत्महत्या करके मर जाना, उसके बाप उसको लेकर रो रहा है बच्ची को, और कहा जा रहा है कि तो लव मैरिज का कांड था, बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। ये तो साहब इनकी पॉलिसी चाल है, अब इनकी चाल में हम फंसना नहीं चाहते हैं। अब आगे 2 रुपये किलो में गोबर मिल रहा है तो गोबर का क्या करोगे तुम? शिक्षा की काशी कही जाने वाली कोटा नगरी में हम चुनावी कवरेज के लिए घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और बताया गया कि यहाँ पर रिवर फ्रंट जो है चंबल नदी के तट पर, वो बड़ा अच्छे से डेवलप किया गया। हमने कहा थोड़ा सा घूम के भी आया जाए, चुनावी कवरेज करते करते देखा जाए कि भाई जो बताया जा रहा है कि रिवर फ्रंट इतना खूबसूरत बनाया कि लखनऊ का रिवर फ्रंट, मुंबई की मरीन ड्राइव और हैदराबाद की नेकलेस रोड सब फेल नज़र आते हैं। हमने कहा अपने कैमरामैन साथी से चलिए उधर की तरफ चलते हैं, देख के आए। 3-3.5 किलोमीटर का कॉरिडोर है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से उसको डेवलप किया गया है, जो राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत है, इसकी प्राचीनता है, उसकी झलक नज़र आती है, लेकिन एकदम बिल्कुल नहीं इस तरीके से वहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। और जो सेल्फीज़ लेने के शौकीन हैं, रील्स बनाने के शौकीन हैं, उनके लिए तो बड़ा भौकाली जगह है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह हैं कि आप सेल्फी लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसी ऐसी लोकेशंस ख़त्म नहीं होगी, आपको लगेगा हर कदम पर आगे बढ़ते हुए कि यहाँ पर सेल्फी ले ली जाए। तो वहाँ से हम लौट रहे थे, चाय की दुकान पर रुके फिर, क्योंकि थक गए। वो 3.5 किलोमीटर का कॉरिडोर पैदल पार करके जाना होता है, एक गेट से निकलकर दूसरे गेट तक, बीच में नया पूरा घाट बनाया गया, कई सारे घाट हैं वहाँ पर, सूर्यपत है, सूर्य घाट है, माता चंबल घाट है वहाँ पर, माता की मूर्ति, चंबल माता की मूर्ति बड़ी अच्छी खासी लगी है, और बहुत सारी चीज़ें विश्व मैत्री घाट भी वहाँ पर बनाया गया, यानी अलग अलग देशों की चीज़ें जो धरोहर हैं वहाँ की, उनकी प्रतीकात्मक इमारतें भी वहाँ पर बनाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। क्योंकि देखिए, अब सैलानी केवल भारत से तो आता नहीं है, जब राजस्थान देखने आता है तो बाहर से भी आते हैं, और जब वहाँ पर ये पर्यटन शुरू होगा उसमें अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी तो पूरा तो हो चुका है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिनको और थोड़ा डेवलप किया जा रहा, तो विदेशियों को भी लगेगा देखिए कितना वेलकमिंग है कोटा और राजस्थान कि हमारे देश की धरोहर हैं, जो उनको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब इस रिवर फ्रंट को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं कोटा और राजस्थान के राजनीति में चल रही हैं। चांती धारीवाल साहब यहाँ से इस इलाके से विधायक हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, तो आरोप प्रत्यारोप, कोई अच्छा बताता है कि बहुत अच्छा काम कर दिया, कोई कहता है जी देखिए भ्रष्टाचार भी हुआ, पैसे की हेरा फेरी भी हो गई इसमें, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम चाय पीने बैठे थे तो हमें एक अंकल बड़े मिल गए, दिलचस्प अंकल हैं, नारेबाजी कर रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब किस चीज़ से वो आज़ादी मांग रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बताइएगा कि किस चीज़ से आज़ादी मांग रहे हैं भाई। इस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हैं कि ये एक तो ये रिवर फंड बनाया जी, वो तो सही बनाया, लेकिन हवा पानी का कोई सुविधा नहीं है इसमें। अभी जैसे कोई आंधी तूफान आ जावे तो पानी तो जहाँ का जाए रुक गया, वो तो बेहतर पानी है पहले से, बेहतर रहता है। अब पानी रुक गया तो पानी की वजह से वो गंदा पानी हो जाएगा, फिर वो मछलियाँ कहाँ जाएगी बेचारी, वो तो बहरा है ना, वो रुका का है ना, वो पानी वहीं रुक गया ना, पुलिया बना दी ने बीच में। अच्छा हाँ, एक दीवार खड़ी कर दी। अच्छा। पानी वहीं रुक गया, मछलियाँ कहाँ जाएगी, वो तो बैठी जाएगी ना सीधी। अच्छा। ये अगर रिवर फ्रंट तो बढ़िया बनाया, लेकिन उसकी सुविधा ही नहीं बनाई उसने जी। अब आगे चलो, इधर पुलिया बनाई 2-4 बोरखेड़ा की पुलिया बनाई, ये भी सही बनाया ताकि भीड़ भाड़ की जगह कम हो गई, इससे क्या है हर आदमी की सुविधा हो गई। इधर लैंडमार्क सिटी में चल जाओ, उधर आगे बढ़ाया सिटी मॉल चल जाओ, बढ़िया बनाया वैसे धारीवाल जी ने जी। हम कुछ हैं लेकिन कहीं कहीं उन्होंने बिगाड़ दिया, जैसे कि घूमने का काम आता है वहाँ घुमाने आगे जाके घूम जाओ, ये कोई गलत है। बीच में उसको ऐसा देना चाहिए, ट्रैफिक वाले सुनते ही नहीं है, वहाँ ट्रैफिक खड़े नहीं रहते हैं। अभी नया बोला चल जाओ, भीड़ भाड़ की मारी वहाँ निकलना ही भारी पड़ जाता है, चारों तरफ से बंद कर रखा है। ठीक है, इसमें तो बात कर लेंगे, अभी राजनीतिक मिजाज भी जान लेंगे, लेकिन कोई डायलॉग वालों का आप सुना रहे थे वो जरा सुनाइए। गंदी का तांगा,
ओके बेलापुर चलना है या रामपुरा चलना है या नयापुरा चलना है। अच्छा। नयापुरा के 2 रुपया बेलापुर के 1 रुपया। अच्छा। तो इसलिए डायलॉग चलता ही रहता है। अच्छा। चल छंडो आगी सवारी अपनी। अच्छा। चलाता रहा घोड़ा। हम ऑटो चलाते रहते हैं इसलिए ऑटो में बसंती को ही मानते हैं हम। हाँ वो डायलॉग है भाग धनो तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। मूवी पिक्चर पिक्चर देखते हैं क्या? पिक्चर तो हम रोज ही देखते हैं। पिक्चर तो रोज ही रात को फिल्म मोबाइल में रोज देखते हैं। अच्छा। बस ये हिंदी फिल्में ये अच्छी देखते हैं, साउथ की फिल्में ज़्यादा देखते हैं। किस तरह की फिल्मों का शौक है? KGF का सबका साउथ फिल्मों का ज़्यादा शौक है। KGF देखिए। हाँ रॉकी भाई पसंद है? हाँ रॉकी भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा। और आदमी भी सही रहते हैं। ठीक है। आपको आपको लगता है कि ये जो कॉरिडोर बना है फ्रंट बना है रिवर फ्रंट ये तो बड़ा हम देख कर आए अभी बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो बनाया ना लेकिन वो क्या है जो जैसे वो बीच में एक दीवार की चलाओ वो बेहतर पानी रहना चाहिए। बेहतर पानी रहना चाहिए जब जाकर सुंदर दिखता है और बीच में एक दीवार बना दिए पानी वहीं रुक गया। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? सुंदर बनाया गया रिवर फ्रंट को परंतु आप देखिए बिल्कुल गेट के पास में चीज़ों को बनाया गया है। अगर मान लो मालिक ना करे अगर बारिश किसी मौसम में अगर अच्छी हो गई और 19 के 19 गेट खोलने पड़ गए अगर ये पत्थर और ये बनाया हुआ रिपन मतलब करोड़ों रुपए कहाँ जाएंगे? ना वहाँ पत्थर बचेगा ना वहाँ रिवर फ्रंट बचेगा ना बनाई हुई इतनी बड़ी बड़ी जो इन्होंने हस्तियाँ बनाई है कहीं माता जी की बताई आपने कोई किसका बताया ये एक भी मतलब बच के नहीं रहने वाले। अगर एक बार गेट खोल के धारीवाल जी दिखा दें कि बच गई हमारी। अभी 4 गेट खोला गया था 4 गेट में से मान ली मुश्किल से आधा आधा गेट भी पूरा नहीं खोला गया यानी कि कुल मिला के देखा जाए 1.5 गेट। 1.5 गेट में ये हालत हो गई कि नीचे का पत्थर बह गए। अच्छा। करोड़ों रुपए का नुकसान दोबारा हो गया। अच्छा। और अगर 19 के 19 गेट पूरे खुल जाएं तो रिवर फ्रंट कहाँ जाएगा? अच्छा। अगर इसी डेवलप को अगर आप आगे करते अगर जैसे मान लो इधर उत्तर दिशा में तो शायद ये कहीं हजारों साल तक रहने वाली चीज़ थी। प्लानिंग नहीं ढंग से की गई है। हाँ अच्छा। क्या इनके इंजीनियर सही नहीं थे? अच्छा। या इनकी कुछ बैठक ऐसी सही नहीं हुई किस कारण से मतलब इन्होंने उठाकर कहना बिल्कुल कोटा बैराज के बिल्कुल गेट के पास में घुसेड़ दिया। अच्छा मुझे बताइए क्या करते हैं आप? नाम क्या है आपका? भाई मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गौड़ है जी। क्या करते हैं? वैसे मैं BJP का प्रभारी हूँ। चलाने को काम मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं BJP के प्रभारी हैं। प्रभारी कौन से स्तर पर हैं? मैं अपने सिर्फ इलाके का अपने मतलब सरस्वती कॉलोनी गली नंबर आप प्रभारी हैं तभी तो ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। BJP से हैं तो अब फिर कहाँ कांग्रेस की अच्छे कामों की तारीफ करेंगे आप? इसमें अच्छी बुराई की बात नहीं है जी। इसमें अच्छी बुराई कोई बात नहीं है। अच्छा। हम किसी चीज़ को बनाएं आज मान लो अगर मैं मकान बनाता हूँ तो मकान को ऐसी जगह बनाऊँगा ना जो कि मुझे मेरे बच्चे भी 1500 साल या 100 साल 200 साल तक तो टिके और मैं ऐसे बनाऊँ कहना आज बनाओ और कल गिर जाए तो उस मकान बनाने को मेरे पैसे लगाने से क्या फ़ायदा होगा। चलिए आपसे अभी मैं बात जारी रखूँगा। आपने जो बताई चीज़ें ठीक बता रहे हैं क्या ये कि जो वो बनाया गया उत्तर दिशा में और वो 1.5 गेट लगभग खोला गया तो नीचे का पत्थर बह गया था? वो तो 1 किलोमीटर का हिसाब से बनाया 2-2.5 किलोमीटर का हिसाब। हाँ। और आगे जो वो तो खाली पड़ी है ज़मीन उसका क्या होगा? अच्छा आगे भी तो बढ़ना चाहिए ना। हाँ। तो आगे क्या देखेंगे खाली ज़मीन पड़ी है खाली। साइडों में देखो मिट्टी पड़ी है उसका क्या हुआ? ये तो उन्होंने पैसा लगा दिया 14 करोड़ का कमीशन जो बना दो बन गया। अभी अभी आपने देखा है क्या? देखकर आए क्या? क्योंकि देख रहे हम तो ऊपर से देख रहे थे। नहीं कोटा वालों के लिए तो फ्री कर रखा है अभी, अभी तो हम गए हमसे तो 2 लोगों के 400 रुपये ले लिए। 2 महीने तो फ्री है अभी। 2 महीने के बाद भी पैसे कौन देगा उसको? 300 रुपये 400 रुपये कौन देगा? ये है ना हमारा तो माइक कैमरा भी बाहर रखवा दिया और 200-400 रुपये और वो तो रखवाएगा साहब क्योंकि आप कैमरा उनसे फोटो खींचेंगे। हाँ। फोटो खींचने के बाद वो तो पैसे लेंगे ना। नहीं तो फोटो खींचने में दिक्कत फोटो खींचने में दिक्कत क्या है अगर माइक कैमरा लेकर चला जाए वहाँ पर और फोटो खींचने तो इसमें दिक्कत क्या है? फोटो नहीं खींच सकते रिवन फंड से आप आइए आइए हाँ वो भी आइए बैठिए इधर प्रचार ही होगा। अच्छा लोगों में जाएगा। अच्छा आप भी आप वो तो BJP से हैं आप तो BJP से नहीं है? नहीं मैं दोनों के बीच में हूँ। बीच में कैसे? हम पार्टी के ना इधर का ना इधर का उधर घुस जाओ तो इधर घुस जाओ जिसकी सरकार बनेगी उसके तरफ उसके साथ ही हो जाते हैं। अभी आप खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है क्योंकि दोनों आप तो
अच्छे अच्छे जो धुरंधर है राजनीति के, वो उनकी धड़कने बढ़ी हुई है। वो तो बढ़ेगी सर, धड़कन तो बढ़ेगी उनकी। अभी क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो उनकी धड़कन के हिसाब से मालूम पड़ेगा कि किसी। अच्छा मुझे जरा बताइए धारीवाल साहब नेता कैसे हैं? धारीवाल जी बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा। हाँ हम तो मानते हैं कि धारीवाल जी का जैसा आदमी कोई नहीं, क्योंकि जो काम किया है इन्होंने भीड़ भाड़ की मारी, इन्होंने दो चार पुलिया बना के भीड़ कम हो गई, इससे हो गए। और एक कोचिंग भी बढ़िया चल रहा है, ताकि आने जाने के लिए पहले कोचिंग वाले भी बक जाते थे, अब पुलिया के नीचे से निकल जाते हैं आराम से, तो एक्सीडेंट का खतरा भी खत्म हो गया। अच्छा। तो काम तो बढ़िया खर्चा जा रहा है, लेकिन ये लाइन पुलिस का काम बेकार कर दिया। अच्छा, ये तो 12 रोड है ना जो आप बता रहे थे? हाँ, अभी इन्होंने एक पेशाब घर नहीं बनाया, सोंदे में लगा रहता है। अब सोंदे तो अपना भी नहीं हो रहा, इसका तड़का कहाँ से कर रहे तुम? मैं देख रहा था वहाँ उधर दीवार की तरफ, कोई तो लोग देखे हल्के हो रहे थे वहाँ खम्भे के पास, वहाँ पर चंबा लगा रहा है ताकि ये दीवार फूटे और मिलिट्री आवे, फट बंदूक देखे हमारे टान दे। मिलिट्री आ जाएगी? ये मिलिट्री है ना पूरी। अच्छा। ये मिलिट्री एरिया है, वो कैंट एरिया है। अच्छा, वो बावजूद इसके लोग डरते नहीं है वहाँ पर हल्के होने में और खम्भे पर खम्भा गीला करने में? मानो कभी दीवार फूट गई तो पानी उधर चला गया, तो वो कहेगा मिलिट्री वाले आ सकता है, खम्भे के अंदर करंट भी आ सकता है, करंट भी आ सकता है खम्भे के अंदर। अच्छा, इस जगह मेरा टॉयलेट है, इस जगह करने जाते हैं लोग, करंट आ गया तो वो वाली पिक्चर जो थ्री इडियट्स में दिखाया गया था, देखिए थ्री इडियट्स। हाँ, हाँ, वो स्थिति हो जाएगी। हाँ, वही स्थिति होगी, हो जाएगी, उसमें लटक जाएंगे सीधे खम्भे में। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, आप लोग बैठिए ना, आपका आइए, आप लोगों से भी थोड़ी बात कर ली जाए। भाई साहब आइए ना आप, थोड़ा सा बातचीत, थोड़ा सा ग्रेजुअल आइए आइए जरा, थोड़ा सा बताइए क्या माहौल भी है ना। हाँ, प्राण प्राण जी कौन है? प्राण जी नाम है? हाँ, प्राण नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक बार जरा पूछ लूँ, नाम बड़ा दिलचस्प है इनका, फिल्मी नाम है? फिल्म के हिसाब से नाम रखा है, प्राण के हिसाब से। अच्छा। हम पहले प्राण की फिल्में बहुत देखते थे। प्राण जी भाई साहब, क्योंकि खलनायक का काम करते थे, तो खलनायक मुझे भी बनना पड़ रहा है। किसके लिए खलनायक बने पड़े अभी? ये सभी तरह के खलनायक है, हम तो लड़ाई का भी खलनायक है, कोई किसी कुछ चीज का भी खलनायक बने, हम सभी तरह के खलनायक। इतनी कमी आपने निकाल दी, मुझे लग रहा है धारीवाल साहब के लिए खलनायक बन गए आप, जो वो कह रहे हैं भाई साहब। चलिए भाई साहब, क्या नाम है? आ रहा हूँ सर। दिनेश। दिनेश जी क्या करते हैं आप? ड्राइकिंग की शॉप चलाता हूँ। ड्राइकिंग की शॉप चलाते हैं तो अभी माहौल क्या है यहाँ पर? बहुत बड़े माहौल है सर। किसकी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं आप? माहौल बताइए, हवा किस तरफ है? हवा तो दिशा के हिसाब से ही है। अब मुझे जाना पड़ेगा सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, जाना पड़ेगा, चलिए। आपको बार बार कॉल भी आ रही है, चलिए ठीक है। तो आप जो वो बता रहे थे प्राण नाम है और खलनायक आप बने हुए हैं धारीवाल जी के लिए, तो तारीफ भी कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं भाई ये कमियां हैं, क्या है? दोनों के बीच में तारीफ भी होना जरूरी है। अच्छा। नहीं तो कल से गुंडे भेज देगा, मुझे मारने आ जाएंगे। ऐसा भी काम करते हैं क्या? ऐसे भी करते हो? मैं तो अभी उनके बेटे से मिलकर आया, यहाँ पर होटल भी है उनका, बहुत बढ़िया है उनका, ऐसे नौरंग होटल है उनका, बहुत बढ़िया बेटा है उनका, अच्छा सा काम करता है, सबके सुविधा से करता है काम। मैच वैच देखते हैं क्या? मैच तो मैं दिलचस्पी है ही नहीं, मैच दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सेफ बड़ा खेल रहे हैं आप, तारीफ भी कर रहे हैं और अपने आप को सेफ भी कर ले रहे हैं, ठीक है? पड़ता है क्या करें भाजी, शहर में चलना है तो करना पड़ता है, अगर शहर में नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ करेंगे, कहाँ पर, नहीं तो दूसरी जगह फेंक देंगे उठा के। अच्छा बताइए टक्कर कैसी है इस बार धारीवाल साहब? तो टक्कर है साहब, जो इन्होंने जो दो चार पुलिया बनाया, जो अच्छा माहौल बनाया सौंदर्य वंदर्य का, तो ये इसके हिसाब से तो पब्लिक खुश भी है, बहुत सी पब्लिक तो खुश भी नहीं भी है, तो हिसाब से तो टक्कर दोनों की बराबर है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाई? राजस्थान में तो देखा है मैंने कि हर साल पाँच साल में क्या नाम है, कांग्रेस बीजेपी चलती रहती है, पिछली बार कांग्रेस रही और अब की बीजेपी का पूरा जोर है, और मेरी उम्मीद जहाँ तक ये है कि 130 से लेके 125 सीट हमारी बीजेपी लेके जाएगी। 120 से 25 सीट आप कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं, हम तो रिपीट करेंगे, देखिए कांग्रेस वाले कह रहे हैं इस बार नहीं हो सकती है। अच्छा। अब की इनके दिग्गज नेता कम से कम हारेंगे, दिग्गज। वजह क्या है? वजह किसी लड़की का बलात्कार बताना, आत्महत्या करके मर जाना, उसके बाप उसको लेकर रो रहा है बच्ची को, और कहा जा रहा है कि तो लव मैरिज का कांड था, बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। ये कम से कम इन्हें
आम जनता हमारी जैसे बोले तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम एक मंत्री होकर के कम से कम किसी से बोलने का आपकी सुविधा है। महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है और लोगों ने भी बताया, लेकिन आप लोग वैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो ठीक है, आपका तो हक भी बनता है सरकार को पूरी तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा करने का। अब देखिए कई चीज़ें सरकार गारंटी दे रही है, 500 रुपये में सिलेंडर की बात कह रही है, महिलाओं को महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना की बात कह रही है, 7 गारंटियां दे दी, 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने के दावे हो रहे हैं, ऐलान हो रहे हैं, इस तरह की 7 गारंटियां हैं, ये क्या इस पर बताइएगा ज़रा। ये जो साहब इनकी पॉलिसी चाल है, अब इनकी चाल में हम फंसना नहीं चाहते हैं। अब आगे 2 रुपये किलो में गोबर मिल रहा है तो गोबर का क्या करोगे तुम, कौन सा खाद बना रहे हो, खाद तो जमीन में बन रहा है। नहीं तो जो छोटा किसान है जिसके पास गाय भैंस या कोई मवेशी है उसके लिए काय का जरिया हो सकता है, ये कमीशन का हिसाब से चल रहा था क्या हमारा, कैसे भी कैसे के कमीशन बने। अब 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं तो बेचोगे कितने में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, और किसान लोग क्या करेंगे इस गोबर को, गारंटियों पर विश्वास नहीं है ना, इन पर तो विश्वास ही नहीं है मंत्री लोगों को भी तो, कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए, बस आए और चल दिए, बस ये रहता है इनके पास। अच्छा। ये किसी से पूछते नहीं कि भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, दिया था इन लोगों ने विश्वास, पिछली बार भी काश्तकारों को दिया था इन्होंने लोन माफ करने का, वो तो कह रहे हमने किया है, देखिए जितना राज्य सरकार के अधीन बैंक आते हैं वहाँ पर कर दिया, लेकिन जो केंद्र सरकार के अधीन आती है जो बैंकिंग्स उसमें नहीं हो पा रहा है, केंद्र सरकार टांग अड़ा रही है, इस तरह के आरोप लगाते हैं। हमें तो मतलब कि आज तक मतलब मालूम नहीं पड़ा क्या ना कि कितने करने हमारे कितने काश्तकार से मिलने वाले हैं, इसे पूछते हैं हम तो कहते हैं हमारा तो कोई माफ़ी नहीं हुआ। अच्छा, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आप प्रभारी हैं अपने इलाके के, आपको बताती नहीं कि पार्टी के स्तर पर आती नहीं कि देखिए ये वाले हमारे बैंक जो किसान हैं या ये जो वर्ग है इतने लोगों ने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले बैंकों से कर्जा ले रखा है, उनके बारे में बात नहीं करना क्योंकि उनके हुए नहीं, उनके बारे में बात करना जिन्होंने राज्य सरकार के अधीन आने वाले बैंकों से कर्जा ले रखा है, ऐसी कुछ दिशा निर्देश नहीं आते क्या? नहीं, ऐसी अगर आती है तो कम से कम ये राज्य गवर्नमेंट जो हमने मतलब आश्वासन दिया था किस बारे में दिया था, हमें पहले ये बात कहनी चाहती थी ना कि हम राज्य सरकार वालों को सिर्फ नाम में आश्वासन दे रहे हैं, राज्य सरकार वालों को ही सिर्फ उनका नाम माफ करेंगे। तो देखिए इसमें तो केंद्र का सहयोग लगेगा ना फिर? नहीं, ये तो अगर मैं समझा के बताऊंगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं, इस काम को नहीं कर सकता हूं। अच्छा अच्छा, ये क्लियर कर देना चाहिए कि ये बैंक हमारे सरकार के अधीन आते हैं, हमें उसका कर देना चाहिए, पर इस तरह तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है ना कि केंद्र कहीं पर अगर बीजेपी है राज्य में वो भी कहते हैं देखिए हमने ऐसा कर दिया। अभी करने को भी क्या हमारे मोदी जी ने कम किया क्या, किसानों के लिए नहीं किया? चलिए आपको लग रहा है इस बार आप जो मोदी साहब की तारीफ कर रहे हैं और देखिए सरकार का वो कर रहे हैं, इस बार क्या जो फाइट है वो ऐसी होती हो रही है क्या कि पीएम मोदी और सीएम गहलोत के बीच वाली फाइट होगी? बिल्कुल 100%। राजस्थान में कौन सा ब्रांड बड़ा है? राजस्थान में अभी तक तो बीजेपी चली। ठीक है, तो फिलहाल ये रिवर फ्रंट को लेकर अलग अलग लोगों से और बातचीत की हमने, सबकी अपनी अपनी राय है, बाहर से भी लोग आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया माइक और जो है कैमरा बाहर रखवा लिया गया था, अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, मोबाइल लेकर हम गए लेकिन मोबाइल से सिर्फ तस्वीरें खींची, थोड़ी बहुत क्लिपिंग हमने बनाई, वो हम अपने सोशल मीडिया के उस पर ज़रूर पोस्ट करेंगे, आप जाकर सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी हमारे चेक करिएगा। लेकिन इस चुनावी कवरेज कैंपेन में कोटा में हम शिक्षा की काशी से कहा जाता है, चंबल के तट पर रिवर फ्रंट को डेवलप किया गया है और यहाँ पर फाइट जो है ऐसा लोग बताते हैं कि बड़ी टक्कर की है, और भी जानेंगे जनता का मिजाज। फिलहाल प्राण साहब जो कि धारीवाल साहब के लिए कह रहे हैं कि विलन के तौर पर यहाँ पर बने हुए हैं और मुस्करा भी रहे हैं, देखिए इस बात पर बड़े अच्छे से। खैर आगे भी चलेंगे जनता का मिजाज जानेंगे, फिलहाल अपने कैमरामैन साथी राहुल के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी।